फैमलीकम एवरी वन क्या हाल है आप सबके वेलकम बैक टू माई चैनल आज सैटरडे है और हमेशा की तरह हम अपनी वीडियो की शुरुआत मौसम का हाल जान के करेंगे आज का वेदर है थ्री डिग्री सेल्सियस बट फील्स लाइक माइनस वन आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन ये यहाँ कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक प्लेजेंट वेदर कहा जाता है हफ्ते दस दिन हो गए हैं वेदर यहाँ पे ऐसा ही है नवंबर में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है कि वेदर इतना प्लेजेंट है वरना नवंबर में यूजुअली बहुत सर्दी होती है एक छोटी सी अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि इब्राहिम तीन चार दिन के लिए न्यूयॉर्क चले गए हैं अपनी अम्मी से मिलने उनकी सिस्टर भी वहीं रहती हैं इंशाल्लाह ताला मंडे की रात को वापस आ जाएंगे सबसे पहले मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी मेरा आज रोटी खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है तो मैंने थोड़े से ओट्स आलमंड मिल्क के अंदर सोक करके रख दिए हैं आप चाहें तो उसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैं बस थोड़ी देर के लिए रखूंगी काफ़ी है आज थोड़ा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो जाए इसको भी फिलहाल मैं साइड पर रख रही हूँ अभी मैं जैना का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जैना इतना कोई फैंसी ब्रेकफास्ट नहीं करती बस रोटी खाती है और रोटी के साथ उसको कोई सालन दे देती हूँ कभी कीमा दे देती हूँ कोई फीका सा ही सालन वगैरह उसको अच्छा लगता है और अभी वो मेरी हेल्प भी कर रही है आप देख सकते हैं साइड में उसके हाथ भी दिख रहे हैं ये मेरा नया तवा है तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी परफॉर्मेंस ठीक है डिसेंट है बहुत इतनी एक्सेप्शनल नहीं लगी मुझे लग रहा है कि रोटी को थोड़ा सा जला रहा है लेकिन चलें इतना बुरा भी नहीं है जैन को घी वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है तो ये अभी मैं इसकी रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ वैसे जैना माशाल्लाह सिक्स इयर्स की हो गई है और वो अपना खाना खा सकती है खा भी लेती है अक्सर लेकिन वो थोड़ी सी जिद करती है कि मम्मी आप मुझे खिलाया करें और ऐसा होता है ना कि अगर वो देखती है कि मैं कहीं कामों में बिजी हो गई हूँ या मैं कुछ अपने कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ तो बस वो दो तीन दिवाली खा कर वो छोड़ के चली जाती है फिर वो खाना ऐसे के ऐसे ही रखा रह जाता है अब मैं अपने नाश्ते की तैयारी करूँगी जैना को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है तो जो मैंने ओट्स भिगोए थे सबसे पहले ब्लेंडर में मैं वो डाल रही हूँ इसकी हमें एक अच्छी सी स्मूदी बनाएंगे एक मैंने केला लिया है और आधा मैंने एप्पल लिया है बस थोड़े से फ्रूट्स काफ़ी हैं और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिया सीड्स एक टेबल स्पून में चिया सीड्स डालूंगी चिया सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं आप चाहें तो इसके तमाम बेनिफिट्स गूगल कर सकते हैं थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ हनी ये मैं सिर्फ फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा इसको मीठा कर देगा स्मूदी को और योगर्ट डाल रही हूँ अक्सर ऑनलाइन वीडियोस में देखती हूँ उसके अंदर लोग ग्रीक योगर्ट यूज़ करते हैं और जो कि काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि इसके अंदर तो जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो अगर आप ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ठीक है मैं रेगुलर वाला ही उसी से काम चला लेती हूँ उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑलमंड मिल्क आज मैं रेगुलर मिल्क नहीं यूज़ कर रही अच्छा जो ऑलमंड मिल्क है ना मुझे अंदाज़ा नहीं था मैंने सोचा चलिए छोटा पैकेट है वो ज़्यादा सही रहेगा मैंने ख़रीद लिया लेकिन जब मैंने इसकी स्मूदी बनाई ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके अंदर शुगर ऑलरेडी एडिड थी तो स्मूदी मेरी थोड़ी सी मीठी बन गई थी अगर आप रेगुलर वाला ऑलमंड में डालेंगे ना तो फिर इतनी ज़्यादा आपकी स्मूदी मीठी नहीं बनेगी लेकिन रिगार्डलेस बहुत अच्छी बनी थी बहुत टेस्टी बनी थी और ये हेल्दी भी बहुत होती है तो आप किसी दिन अपने ब्रेकफास्ट में ये स्मूदी आप ज़रूर बना के देखिए और फिर मुझे बताएगा कि आपको कैसी लगी अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी इब्राहिम आजकल घर पे है नहीं तो कोई बात करने वाला होता नहीं है तो मैं ज़्यादातर अब बुक्स पढ़ के अपना टाइम पास करती हूँ जैना भी स्कूल चली जाती है तो मैं बिल्कुल ही अकेली हो जाती हूँ बहुत अच्छी स्मूदी बनी है बहुत टेस्टी बनी है स्मूदी एक्चुअली कल मैंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो लगाई थी बिरयानी वाली उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था तो मैं अभी उसी को ही थोड़ा सा एनालाइज़ करना चाह रही थी और जैना के पास मेरा फ़ोन था वो अपनी दादी से और डैडी से सबसे उसने न्यूयॉर्क फ़ोन लगाया हुआ था उनसे बातें करी थी तो मैं उसको कह रही थी कि मेरा फ़ोन दे दो ताकि मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम भी अपना देख लूँ आप लिविंग एवरी डे के नाम से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन और घर हर वक्त साफ़ और चमकता रहे तो काम को बिल्कुल भी डिले नहीं करें मैंने अपनी स्मूदी पी है और उसका ग्लास बस मैं अभी ही रिंस करके डिश वॉशर के अंदर लोड कर दूंगी इससे मेरा किचन घर हमेशा साफ़ रहता है बहुत ज़्यादा मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती एक छोटे से रूटीन से लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है अच्छा मैंने लास्ट वीडियो लगाई थी अपने हाउस टू की और मुझे उम्मीद नहीं थी मतलब लाइक मैंने एक एक रूटीन से ही व्लॉग बनाया था कोई ख़ास ना उसकी कोई तैयारी थी बस ऐसे ही भाई आ गया और उसने मेरी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हाउस टू की क्योंकि वो काफ़ी अर्से से पेंडिंग थी ड्यू थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे उसका इतना अच्छा और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आएगा मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं आपको बता देती हूँ मैं सारे कमेंट्स सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं मैं और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ फेसबुक पर भी एक्टिव हूँ मैं आप सबके तमाम तमाम कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे इतनी खुशी होती है यू ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं लेकिन ना उस पर कोई लाइक आता है ना ही इस पर कोई ख़ास व्यूज़ आते हैं तो थोड़ा दिल भी दुखता है लेकिन जब आप लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन होती है और दिल करता है कि और हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाया करें लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग मेरे लिए सिर्फ कोई एक कमर्शियल या एक इसको सक्सेसफुल बनाना ही मेरा मोटिव नहीं है बल्कि मेरा बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो एक कम्युनिटी बनाना है एक छोटा सर्कल बनाना है जहाँ पे कुछ लोग हों जो आपके काम को अप्रिशिएट करें आप उनकी प्रॉब्लम सुने वो आपका कंटेंट देखा करें मतलब यू you नो know, एक छोटी सी कम्यूनिटी हो यू आर सराउंडेड बाई योर लव वो मेरा अल्टीमेट गोल है इस लाइफस्टाइल व्लॉगिंग को वरना अगर करने के लिए तो मेरे पास एक अच्छी खासी माशाल्लाह जॉब थी लेकिन बस शायद लाइफ के इस हिस्से पर आपके गोल्स आपके एम्बिशन सब कुछ चेंज हो जाते हैं माशाल्लाह बहुत सारे लोग मुझे दुआ भी दे रहे थे कि अल्लाह करे आपका अपना घर हो जाए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब ने मुझे दुआ दी अल्लाह ताला पता नहीं शायद किसी की दुआ सुन लें और हमारा अपना घर हो जाए कैनाडा में एक कमेंट था वो मैंने वीडियो लगाई थी अपनी लंचबॉक्स पार्टी वीडियो तो एक कमेंट आया था कि अपना गैस का चूल्हा साफ करो तो मैंने कहा चले उसी कमेंट का मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं तो नंबर वन ये गैस का चूल्हा नहीं है ये बिजली से चलने वाला चूल्हा है इसको इंडक्शन चूल्हा कहते हैं और मैं साफ करती हूँ मैं डेली ही साफ करती हूँ लेकिन इसकी जो सफाई है ना वो गैस के चूल्हे की सफाई से काफी डिफरेंट है और वुड से बहुत डिफिकल्ट है इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सफाई नहीं है तो इसके ऊपर जो आप स्टेन्स देख रहे हैं कि ग्रीस के स्टेन्स नहीं है कभी कभी ऐसा होता है कि जब इसके ऊपर पानी का भी एक छीटा आ जाए ना तो उसके भी स्टेंस इसके ऊपर हो जाते हैं तो चलिए कोशिश करते हैं आ, मेरे पास बेकिंग सोडा है कोशिश करते हैं कि बेकिंग सोडा से सा अगर ये साफ हो सकता है थोड़ा सा इसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल के देखती हूं थोड़ा सा विनेगर भी डाल लेते हैं विनेगर मैंने अपने स्टोव के ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया है और बस इसको मैं एक घंटे के लिए छोड़ दूंगी इस होप के साथ कि शायद ये वाला जो ट्रिक है ये वाला जो हैक है वो काम कर जाए अमेजोन पे इसके कुछ किट्स भी मिलते हैं वो भी हमने मंगाए हैं पहले उससे काफ़ी आसानी भी होती है लेकिन वो काम इब्राहिम करते हैं मैं बस ये बेकिंग सोडा विनेगर डाल के थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ सैटरडे मेरा लॉन्ड्री डे होता है अभी मैं लॉन्ड्री करने लगी हूँ एक काम जो काफी दिनों से बल्कि मैं कहूंगी काफी महीनों से पेंडिंग था कि मैंने अपनी पार्का जैकेट नहीं धोई काफी अर्सा हो गया सीजन में एक बार एटलीस्ट एक बार हम अपनी जो पार्का जैकेट होती है वो जरूर धोया करें एक ही दफा एक्चुअली आपको चांस ही एक ही दफा मिलेगा धोने का क्योंकि एक बार जब सर्दी का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर आप चाह भी नहीं वॉश कर सकते क्योंकि फिर सर्दी थ्रू आउट फिर सर्दी ही रहती है फिर वो सीजन के आखिर में आपको धोने का चांस मिलता है ये जो फर होता है ना ये फर वाला पार्ट ये नहीं जाएगा वॉशिंग मशीन में इसको निकाल के वॉश करना होता है आजकल वेदर अच्छा है इतनी मोटी जैकेट की जरूरत नहीं है तो अभी बहुत अच्छा चांस है कि हम अपनी पार्टल जैकेट वॉश कर लें इतनी मोटी जैकेट आपको पहननी होती है जब माइनस सिक्स हो माइनस टेन हो माइनस इलेवन उससे ज्यादा मतलब सर्दी होता लेकिन अगर पॉजिटिव में हो ना आपका वेदर और माइनस वन हो या माइनस टू हो तो रेगुलर वाली जैकेट भी चल जाएगी तो चलिए मैं इसको वॉश करती सैटरडे को लॉन्ड्री डे होता है और संडे को फिर मैं तमाम लॉन्ड्री फोल्ड करके रख देती हूँ उसमें से कुछ कपड़े मैं इब्राहिम के और जैना के यूनिफॉर्म्स वगैरह भी मैं प्रेस करके रख देती हूँ थोड़ी तो देर पहले जैना के मौलवी साहब का ही मैसेज आया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज जैना की जिपारा क्लास नहीं हो सकेगी वीकडे पे जो जैना की क्लास होती थी अब नहीं होती क्योंकि यहाँ पर टाइम एक घंटा अब मज़ीद पीछे हो गया है तो बाय द टाइम जैना जब स्कूल से घर आती है तो पाकिस्तान में ऑलरेडी काफ़ी रात हो चुकी होती है और वीकेंड पर ही बस दो दिन अब क्लास होती है लेकिन वो थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाती है तो उससे जैना का काफ़ी जो सिपारा है कायदा है वो कवर हो जाता है उसके अंदर एक घंटा हो चुका है और अब मैं अपने स्टोव के ऊपर ये जो डिश वॉश लिक्विड होता है डॉन लिक्विड होता है मैं वो थोड़ा सा स्प्रेड करूंगी और ये जो स्कॉच ब्राइट होता है ये स्क्रब ममी के नाम से जो आजकल मशहूर है बस मैं उससे बहुत ग्रेजुअली स्क्रब करना स्टार्ट करूँगी इस उम्मीद के साथ कि पता नहीं हमारा चूल्हा साफ़ होता है कि नहीं होता ये देखें इसका फाइनल लुक है जो मुझे इतना ज़्यादा कोई प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा इतना कोई ख़ास मुझे फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता चला है कि मैं अपना चूल्हा साफ करती हूँ मैं डेली ही साफ करती हूँ अब कुछ काम है एक दो पेंडिंग में है काफ़ी दिनों से मैं निपटाना चाह रही थी तो अभी दोपहर में हम दोनों बाहर निकल आए हैं इस वक्त वेदर बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं जैकेट भी हमने लाइट सी पहनी हुई है और ये हम आ गए हैं शॉपर्स ड्रग मार्ट हो सकता है ये क्लिप देखकर शायद कुछ आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो जी हाँ ये हमारा पुराना नेबरहुड है और अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर आई I मीन mean, शॉपर्स ड्रग मार्ट की ना ऑलमोस्ट हर वीडियो में मेरी ये क्लिप ज़रूर हुआ करती थी आपको ये भी याद हो शायद कि जैन उसको रेड शॉप बोला करती थी तो so, डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो शॉपर्स मार्ट की ये पुराने वाले शॉपर्स ड्रकम मार्ट की फार्मेसी से मुझे कलेक्ट करनी थी अभी मैंने एड्रेस चेंज करवा दिया है लेकिन फिलहाल ये वाली मेडिसिन मेरी यहीं पर आई यहाँ पे जितनी भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है ना वो फिर आपको फार्मेसी से कलेक्ट करनी होती हैं ये ओ टी सी मेडिसिन हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं इसके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती आप बस इसको ऐसे ही खरीद सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने फार्मेसी की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे और ये मेरी मेडिसिन मुझे पूरे एक घंटे बाद मिली है काफी हमें इंतजार करना पड़ा शॉपर ट्रक मार्ट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप ओवर था अडोनेस एक सोर्स के थ्रू मुझे पता चला है कि यहाँ पर हलाल चिकन स्टॉक मिल जाती है तो बस मैं वही लेने यहाँ पर आई हूँ आप लोगों में से जो लोग मेरा ब्लॉग शुरू से देखते हैं उनको पता है कि मैं वेजिटेबल स्टॉक यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि हलाल चिकन स्टॉक किधर मिलती है सो अडोनस इज बेसिकली अ वेरी फेमस शॉप हेयर जहाँ पर मेडिट्रेनियन खानों के अंदर जो चीजें डलती हैं वो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं इट्स अ वेरी बिग शॉप मैं इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं आई हूँ एक दो बार ही आई हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तीन चार अलग अलग लोगों से पूछने के बावजूद भी गेस शायद उनको मेरी बात नहीं समझ आ रही थी मुझे चिकन स्टॉक नहीं मिली गेस मेरे नसीब में ही नहीं है अगर आप में से कोई ये जानता है कि मिसेस सागर टोरंटो एरिया में हलाल चिकन स्टॉक किधर मिलती है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा

फ्रीज uh, करने वाली हूँ पैक कर चुकी हूँ और जो यूज करूंगी बस मैं एक ही चिकन ब्रेस्ट यूज करूंगी फाइव हंड्रेड ग्राम्स वाला तो खाना थोड़ा सा ही बना रही हूँ अपने लिए मैंने एक ही चिकन ब्रेस्ट लिया है 500 हंड्रेड ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट है और आधा चिकन ब्रेस्ट मैं सूप के अंदर यूज कर लूंगी और आधा मैं इसका चिकन सैंडविच बना लूंगी छोटी छोटी मैं बोटियाँ बनाऊंगी बहुत बड़े पीसेस नहीं बनाऊंगी क्योंकि सूप और सैंडविच दोनों में बहुत बड़े बड़े चिकन चंग्स अच्छे नहीं लगते तो ये देखे मैंने दोनों पीसेस को काट के अलग अलग रख दिया है तो सबसे पहले मैं सूप की तैयारी कर लूँगी क्योंकि वो एपेटाइज़र है और उसके अंदर बस थोड़ी सी मैं मैरिनेशन करूँगी नमक डाला है फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाली है सोया सॉस डलेगा विनेगर डलेगा फ्रेश गार्लिक डालूँगी चॉप करके और इसके अंदर मैं एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लॉर भी डालूँगी वैसे जब भी मैं कोई चाइनीज़ खाना बनाती हूँ ना उसकी चिकन बस मैं ये एक ही स्टैंडर्ड तरीके से बनाती हूँ ज़्यादातर जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में जो चाइनीज़ खाना खाते हैं ना वो इसी तरीके से चिकन बनाते हैं यूजुअली हम लोग जो तंदूरी चिकन या तिक्का चिकन जो बना रहे होती हूँ ट्रेडिशनल स्टेल से बनाते हैं उसको हम स्टीम करके पकाते हैं लेकिन ये जो चिकन होती है ना ये हाई फ्लेम पर पकाई जाती है सब्जियों में मैंने ली है गाजर शिमला मिर्च और बंद गोभी बस थोड़ी सी ली है बहुत ज़्यादा नहीं ली और बंद गोभी को मैंने हैंड चॉपर से चॉप कर लिया है बहुत अच्छा श्रेड हो गया है एक पैन के अंदर मैं एक से दो टेबल स्पून ऑयल लूँगी बस ज़्यादा नहीं लेना और ऑयल को आपको पहले अच्छी तरह गर्म करना है उसके बाद फिर आप इसके अंदर अपनी चिकन डालें चिकन को आप फुल फ्लेम पर दस मिनट के लिए फ्राई करें आप बीच बीच में चमचा भी थोड़ा चलाते रहें ताकि आपकी चिकन नीचे स्टिक ना हो जाए बस इसी प्रोसेस से आपकी बहुत अच्छी क्रिस्पी सी चिकन बन जाएगी और ये टेस्ट में बहुत अच्छी और सॉफ्ट होगी सूप बनाने के लिए मैं ले रही हूँ वेजिटेबल स्टॉक अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि मैं चिकन स्टॉक क्यों तलाश करने गई थी तो ये मैं आधा पैकेट डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 500 हंड्रेड ग्राम्स में इसके अंदर वेजिटेबल स्टॉक ले रही हूँ सीजनिंग के लिए मैं डालूंगी नमक काली मिर्च विनेगर सोया सॉस अच्छा इस स्टेज पर मैं ऑनलाइन देखती हूँ कि लोग सब्जियाँ डाल देते हैं विच इज़ एब्सोलुटली फाइन कुछ लोग जो है वो सब्जियाँ सॉफ्ट पसंद करते हैं तो आप इस स्टेज पर बिल्कुल सब्जी डाल सकते हैं लेकिन मैं हमेशा एंड में डालती हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली इब्राहिम को सब्जियाँ क्रिस्पी अच्छी लगती हैं उनको थोड़ी क्रंची अच्छी लगती हैं इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाली है कोई एग्जैक्ट मुझे अमाउंट नहीं पता मैं बस अंदाजे से डालती रहती हूँ और जब तक आपकी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी ना आ जाए आप इसके अंदर स्लरी थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते रहें और उसको मिक्स करते रहें फिर मैंने इसके अंदर डाला है एग वाइट एक एग वाइट डाला है आपको बहुत ज़्यादा इसमें चमचा नहीं चलाना है थोड़े सेकेंड्स के लिए मैंने वेट किया है उसके बाद मैंने उसको मिक्स किया है और फाइनली मैंने इसमें अपनी चिकन डाली और सब्जियां डाली हैं और इसके बाद अब मैं इसको ज़्यादा इतना पकाऊंगी नहीं ये मेरा हॉट एंड सावर सूप टेस्टी सा बिल्कुल रेडी हो चुका है आखिरी में एक दो ड्रॉप्स मैं इसके अंदर सेसमी ऑयल डालूंगी विच इस कम्प्लीटली ऑप्शनल आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं सैंडविच के लिए सबसे पहले मैं एक सॉस बनाऊंगी। बहुत अच्छा सॉस होता है आपको कोई भी रेडीमेड बाजार से मंगाने की ज़रूरत नहीं है घर पे आप एक बहुत अच्छा सॉस बना सकते हैं मैंने दो तीन गार्लिक के जवे लिए हैं और उसको पहले अच्छी तरह से क्रश कर लिया है इसमें डाला है म्यूनीज़ कैचअप हॉट सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से अब तमाम इन सॉसेस की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने पहले गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया था उसको मैंने थोड़ा सा सौते किया है उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी प्याज डाल के बस सॉफ्ट करूँगी ब्राउन नहीं करनी चिकन मैंने ले लिया है ये करीबन दो सौ ग्राम चिकन है और उसको मैं दो से चार मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैं इसको फ्राई करूँगी आपकी चिकन ऑलमोस्ट इसी प्रोसेस में ही पक जाएगी इसके बाद मैं इसके अंदर जो मैंने सॉस बनाया था वो डालूंगी सॉस डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें फिर मैंने इसमें कुछ सब्जियां डाली हैं मशरूम्स मैंने कटे हुए रेडीमेड मशरूम्स ही लिए थे और थोड़ी सी ऑलि डालूंगी सब्जी आप अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने उसको ढक के स्टीम दी थी ताकि सब्जियाँ और चिकन सॉफ्ट हो जाए ये मैं फ्रेंच ब्रेड ली है मैंने और उसको बीच में से कट करी बस मैं हाफ़ ही यूज़ करूंगी मैं एक ही सैंडविच बनाऊँगी और उसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने इस पर पहले थोड़ा सा बटर लगाया और अपनी तमाम चिकन और ये जितनी भी मेरी वेजिटेबल्स हैं मैंने इसके ऊपर लगा दी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं केचप भी डालूंगी और आई गेस मेरा हर सैंडविच चीज़ के बगैर अधूरा है और ये लीजिए अच्छा फुली लोडेड सा आपका सैंडविच बिल्कुल रेडी है मैंने उसको टोस्ट भी किया था लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैं बस अभी खड़े होकर खाना खा रही हूँ इब्राहिम के मैसेजेस आ रहे हैं वो मुझसे हाल चाल पूछते रहते हैं मेरा और जैना का बहुत मिस करते हैं हमें दुआ करिए मेरा भी जल्दी से यूएस वीज़ा हो जाए ताकि मैं जा सकूँ यू से अब मैं भी मिल सकूँ अपने इन लॉज से अभी जैना का बेड टाइम हो चुका है आज मैंने आपको बताया कि जैना की सिपारा क्लास जो थी वो कैंसिल हो गई थी तो मैं अभी बैठ के जैना को सिपारा पढ़ा रही हूँ वैसे मैं क्लास के अलावा भी उसको थोड़ा बहुत रिविज़न करा देती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ ना वो एक कंसिस्टेंसी एक तसल अगर वो ख़त्म हो जाता है ना तो भूल जाते हैं और बड़ी मुश्किल से ज़ैना के सिपारे में काफ़ी अब इम्प्रूवमेंट आ गई माशा बहुत अच्छी वो क़िरत भी करती है बहुत अच्छा वो सिपारा भी पढ़ के सुनाती है तो अभी हम लोग बस उसी की ही थोड़ा रिविज़न कर रहे हैं चलिए उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोज को लाइक करें दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज